नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु फ्री पर। दोस्तों आज के हम वीडियो में चर्चा करेंगे 400 करंट अफेयर्स के हिंदी में मैंने जो है क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2018 तक के बीच में हैं। ये करंट अफेयर्स आगे आने वाले हर एग्जाम में आपको जो है मिलेंगे। दोस्तों उससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। 2019 आने वाला है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्जामों की, मुझे पता है आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप लोग जो है घंटे का टाइम टेबल तो नहीं है कि दिन में मुझे 6 घंटे पढ़ना है 7 घंटे पढ़ना है, क्योंकि ये आप बना लेते हैं लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, क्या आप पूरे 8 घंटे सही से पढ़ पाते हैं? इससे अच्छा है आप सिलेबस का जो है अपना पूरा टाइम टेबल बनाएं कि मुझे जो है आज 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, आज 3 चैप्टर ख़त्म करने हैं, चाहे वो 2 घंटे में हो, चाहे 6 घंटे में हो, चाहे 8 घंटे में हो या 10 घंटे में हो। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी स्टडी भी इम्प्रूव होती जाएगी और साथ साथ आपका जो है टाइम का जो आप की प्रोडक्टिविटी है कि आप 1 घंटे में कितना पढ़ते हैं 2 घंटे में कितना पढ़ते हैं वह बढ़ता जाएगा। तो ये मेरी तरफ से एक टिप्स था। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, आपको खुद लगेगा कि हाँ बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? जो कि नई ट्रेन है इसका नाम है T18। T18 का फुल फॉर्म है ट्रेन 18, ठीक है। ट्रेन 18 जो है सबसे तेज गति से चलने वाली भारत की नई ट्रेन बन चुकी है, इसका हाल ही में ट्रायल भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, RBI के नए गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? 100% क्वेश्चन आने वाला है, आप लिख के ले लीजिए, चाहे आपका SSC CGL हो, PSC हो या रेलवे। शक्तिकांत दास ये RBI के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजनाथ सिंह ने प्रथम संस्कृत केंद्र की घोषणा कहाँ की है? तो जो प्रथम संस्कृत केंद्र की घोषणा की गई है वह की गई है आपकी अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने प्रथम संस्कृत केंद्र की जो है घोषणा की है गुजरात में। देखिए इसका राज्य भी पूछ सकते हैं और आपका सिटी भी पूछ सकते हैं, तो दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? तो 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल प्योंगचांग में हुए, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए आपका जो है प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, BJP कार्यकाल में जितनी भी मोस्टली योजनाएं आ रही हैं दीनदयाल के नाम पर आ रही हैं, ठीक है, कई योजनाएं हैं जिनका नाम दीनदयाल पर है, तो आपकी जो दीनदयाल स्पर्श योजना, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, दीनदयाल स्पर्श योजना है जो कि डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन करने के लिए आयोजित स्टार्ट की गई थी। कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की साझेदारी वाली एक नई पहल हुई है, तो उसका नाम रखा गया है, इन दोनों मंत्रालयों की जो साझेदारी हुई है, साथी, ठीक है, दो, कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय, इन दोनों के बीच में साझेदारी हुई है। 100% LED वाला रेलवे जोन कौन सा बन गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, इको फ्रेंडली चीज़ है, आपका जो लाइट की खपत कम होगी LED से, ठीक है ना। तो 100% और अच्छा कोई स्टेशन नहीं है, पूरा जोन है, तो वह जोन है आपका दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे में दोस्तों मैं बता दूं, सिकंदराबाद जो है इसका ऑफिस है, इसमें आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के स्टेशन आते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है दोस्तों। 100% LED लाइट वाला जोन बन चुका है, आप खुद बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं। नौवा क्वेश्चन, भारत का पहला इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है, याद रखिएगा आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह, ये बहुत फेमस है, अभी न्यूज में चल रहा है, कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया है। यह जो बंदरगाह है यह भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है, यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास ये बंदरगाह है, तो याद रखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो वो याद होना चाहिए। कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या रखा गया है वो याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, दरवाजा बंद अभियान से कौन से अभिनेता और अभिनेत्री जुड़े हैं? तो इसका आंसर है आपका अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो है खुले में शौच से मुक्त हो चुका है।
15 क्वेश्चन, सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर आपके AR रहमान जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड है, मैं 3-4 क्वेश्चन आपको इससे जुड़े बता दूंगा। तीसरे स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में पहला स्थान किसका लगा है? तो फर्स्ट स्थान लगा है इंदौर का, ये तीसरा था जो कि 2018 में हुआ। 2017 में भी जो स्वच्छता अभियान हुआ था दूसरा, उसमें भी इंदौर का जो है पहला स्थान लगा था। इसके बाद आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट भी पूछ सकते हैं, 2016 से ये चीज़ स्टार्ट हुई हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण। 2016 में जो है मैसूर का पहला स्थान लगा, दूसरे और तीसरे स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर ने बाजी मारी और दूसरे स्थान पर भोपाल रहा। दोनों ही तीसरे, अभी 2018 वाले में भी भोपाल दूसरे स्थान पर रहा और 2017 वाले में भोपाल दूसरे, मध्य प्रदेश के दो शहर टॉप टू में रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रोडोडेंड्रन उद्यान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इस उद्यान का शुभारंभ किया गया। पहले ऑनलाइन रेडियो का नाम क्या है? तो पहले ऑनलाइन रेडियो का नाम है रेडियो उमंग, याद रखिएगा रेडियो उमंग। 20वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूर्णतः महिलाओं से संचालित रेलवे स्टेशन, पूर्णतः महिलाओं से संचालित रेलवे स्टेशन, एक तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सबसे पहली बात है, पूर्णतः है जो है पहला रेलवे स्टेशन। माटुंगा, माटुंगा ये किस राज्य में, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया है, यह है महाराष्ट्र में आपका, याद रखिएगा। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट फिलिस्तीन के नाम से नवाजा गया, किसे नवाजा गया? यह नवाजा गया है नरेंद्र मोदी को, तो आपके अपने PM है, इनको नवाजा गया, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला पहला राष्ट्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहला राष्ट्र बना है समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला, तो यह है बरमूडा। बरमूडा की राजधानी क्या है? हैमिल्टन, याद रखिएगा, राजधानी भी पूछ सकते हैं आपको। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम, 23वां हमारा क्वेश्चन है, 200 ODI विकेट लेने वाली पहली, विश्व की पहली महिला कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी, इनको नादिया एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे भारत की हैं, झूलन गोस्वामी। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS करंज, याद रखिएगा करंज, ठीक है। 25वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, समुदाय विशेष की कहानियों के लिए गूगल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? गूगल का ऐप है समुदाय विशेष की कहानियों के लिए है, तो स्पेशल हो जाता है, इसका नाम है बुलेटिन, याद रखिएगा, PSC वाले बिल्कुल याद रखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ किया गया 2018 में, तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है इसको आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका जो है, 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी 2018 को जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में रूस और भारत विदेश मंत्रियों की 15वीं त्रिपक्षीय बैठक कहां संपन्न हुई? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रूस और भारत की बैठक थी ये, 15वीं त्रिपक्षीय जो है, रूस चीन और भारत की, तीन त्रिपक्षीय हैं, तीन देश हैं, रूस भारत और चीन, तीनों ही सशक्त राष्ट्र हैं, अमेरिका के बाद सबसे अव्वल तीनों ही राष्ट्र हैं, इनकी त्रिपक्षीय बैठक संपन्न हुई थी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, और पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है नॉर्वे को, याद रखिएगा नॉर्वे को। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी आने वाली, इसलिए मैंने दो क्वेश्चन डाले हैं, आप देख लीजिए बन रहे हैं कि नहीं आपसे, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया और आपका जो है राष्ट्रीय कन्या दिवस 24 जनवरी 2018 को। अपने सभी प्रमुख भवनों और प्रतिष्ठानों के लिए हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली कौन सी है? सोचिए कितनी बड़ी बात है, सभी प्रमुख भवनों और प्रतिष्ठानों के लिए हरित प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है दिल्ली मेट्रो को, इसलिए दिल्ली मेट्रो बहुत ही खास हो जाता है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारतीय पर्यटन स्थलों के संरक्षण और भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो देख लीजिए बहुत अच्छी योजना, नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा, अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं लिंक उसकी आपको बता दूंगा कहाँ पर है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री पीडीएफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ संपन्न हुआ? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका दावोस स्विट्जरलैंड में जो है संपन्न हुआ। हाल ही में यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? तो यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी बालेटा को यूरोप की, किसी देश की नहीं, पूरे एक आपकी जो है महाद्वीप की सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, बालेटा इसका आंसर है आपका। भारत का पहला कचरा महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत का पहला कचरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला कचरा महोत्सव था। 100% मतलब 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला संघ शासित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका दमनद्वीप। दमनद्वीप जो है 100% पहला संघ शासित राज्य है। हाल ही में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हाल ही में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ कराईकल में स्टार्ट हुआ है। कराईकल याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की नए राज्यपाल आपको पता है आनंदीबेन पटेल, अभी चुनाव हो चुके हैं, सीएम भी चेंज हो चुका है मध्य प्रदेश का, कांग्रेस की सत्ता आई है बहुत समय बाद, और आपके कमलनाथ जो हैं ये हैं मध्य प्रदेश के नए सीएम, याद रखिएगा। हाल ही में दृष्टिबाधित वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन 41वां, चौथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया समूह का कौन सा सदस्य बन गया है? ऑस्ट्रेलिया समूह का भारत ने भी जो है सदस्यता ले ली है, तो यह 43 है ना, 43वां सदस्य बन चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पब्लिक क्लाउड पॉलिसी का अनावरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पब्लिक क्लाउड पॉलिसी याद रखिएगा, इसका जो है महाराष्ट्र जो है पहला राज्य जिसने अनावरण किया हुआ है। आई क्रिएट सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो यह अहमदाबाद गुजरात में की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो उड़ीसा में किया गया है, कलाकारों को जो मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना है, ठीक है, वहाँ के आर्टिस्टों को इस योजना के थ्रू सहायता प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46, देश की सबसे बड़ी आधुनिक रिफाइनरी का शुभारंभ, तो बाड़मेर राजस्थान, ये देश की सबसे बड़ी आधुनिक रिफाइनरी है, तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, याद रखिएगा। 70वां सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी 2018 को जो है 70वां सेना दिवस मनाया गया। ये 70 है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 70वां इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2018 में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर है आपका केरल। केरल द्वारा जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2018 की बात हो रही है। कुपोषण को दूर करने के लिए किस अधिनियम की घोषणा की गई है? तो शबरी संकल्प अभियान कुपोषण से लड़ने के लिए अभियान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों। चौथा अंतर्राष्ट्रीय आपका धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजगीर बिहार में, ठीक है, राजगीर बिहार में आयोजित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा बर्फ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो चीन में विश्व का सबसे बड़ा बर्फ महोत्सव आयोजित किया गया है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा जो है इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। दूसरे FTII का शुभारंभ कहाँ गया है? यह जो है इंस्टीट्यूट है फिल्म टेलीविजन से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, यह दूसरा बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अभी इसका शुभारंभ, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस राज्य ने अपना आधिकारिक लोगो प्रस्तुत किया? तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसने अपना आधिकारिक एक लोगो बनाया है जो कि प्रस्तुत किया है। समान वेतन वैध करने वाला पहला देश आईस बन गया है, समान वेतन वैध करने वाला पहला देश याद रखिएगा। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू में हिमालयन हाइड्रो
एक्सपो 2018 का जो है आयोजन किया गया। 171वें जो है आराधना संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया दोस्तों, 171वां आराधना संगीत समारोह। हाल ही में किन दो देशों ने वैट लगाने की घोषणा की है, तो सऊदी अरब और यूएई ने अब वैट लगाने की घोषणा की है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट में किन दो भाषाओं को और जोड़ दिया गया है, तो असमी और मणिपुरी, ये दो भाषाएं और जुड़ गई हैं प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, नागरिक रजिस्टर्ड का पहला ड्राफ्ट, तो नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट जो है असम द्वारा, असम जो है राज्य अपना है, ठीक है। गोबर धन योजना, ये योजना किस राज्य ने सबसे पहले जो है स्टार्ट की, तो ये इसका जो है हरियाणा जो हमारा राज्य है वहां पर गोवर्धन योजना का शुभारंभ हुआ है। हाल ही में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पहली बार आज तक इतिहास में रणजी ट्रॉफी जीती है, उसका नाम है विदर्भ। विदर्भ ने अभी तक एक भी बार नहीं जीती थी, पहली बार जीती, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कुल कितने पदक जीते, तो 321 पदक जीते हुए हैं। सुषमा स्वराज ने किस शहर में विदेश भवन का उद्घाटन किया, तो मुंबई में जो है विदेश भवन का उद्घाटन किया गया है सुषमा स्वराज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने पुलिस के लिए स्मार्ट यूनिफॉर्म डिजाइन को तैयार किया है, तो स्मार्ट यूनिफॉर्म जो है पुलिस के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने, जो कि अहमदाबाद में है, इसने पुलिस के लिए एक स्मार्ट यूनिफॉर्म तैयार की, जिसमें उन्हें कई चीज़ों की फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 68, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में कितने जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया है, तो इसका आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 69, सोसाइट गेम से गेम के नाम से विख्यात हाल ही में कौन सा गेम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, ब्लू व्हेल। अभी एक नया गेम जो है चर्चा में है, उसका नाम है पबजी, तो हो सकता है इसमें इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछ लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसके 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं अपने प्ले स्टोर पर, तो इसका फुल फॉर्म होता है पबजी, नाम है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स, ठीक है। ये जो है इसमें 100 लोगों को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पर आपस में जो लड़के एक जो बचता है उसको जो है विनर घोषित किया जाता है। तो ब्लू व्हेल के बाद एक ये गेम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो फुल फॉर्म तो आप याद रखिए कम से कम। भारतीय रेलवे की नई समय सारणी के अनुसार कितने ट्रेनों का समय बदला गया, तो 500 ट्रेनों का समय बदल दिया गया है भारतीय रेलवे ने। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है, ये सभी को पता है, बिल्कुल याद रखिएगा। भारत का पहला माइक्रो जंगल कहाँ पर बनाया जाएगा, तो रायपुर में पहला माइक्रो जंगल, भारत का पहला माइक्रो जंगल बनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षा दिवस के अवसर पर किस पोर्टल का शुभारंभ किया, तो दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया दोस्तों, याद रखिएगा दीक्षा पोर्टल। 74वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में 10 से 11, मैंने डेट भी दे दी है, 10 से 11 फरवरी 2018 किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसलिए इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस नदी के विश्लेषण के लिए नौका का प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके विश्लेषण के लिए नौका पर प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस देश को यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है, तो इसराइल ने जो है यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। 77वां क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट पर एकल पर्वतारोहण प्रतिबंध लगा दिया गया है नेपाल के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है, अब अकेले आप जो है पर्वतारोहण माउंट एवरेस्ट पर नहीं कर सकते, चढ़ाई नहीं कर सकते। 44वां खजुराहो नृत्य समारोह, आपका जो खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है, यह इंटरनेशनल लेवल का होता है, यह बहुत फेमस समारोह है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप 44वां समारोह था ये। फीफा द्वारा जारी अभी की रैंकिंग में, ताज़ा रैंकिंग में भारतीय टीम का 99वां स्थान है फुटबॉल टीम का, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल के मीडिया अधिकार किस कंपनी को प्राप्त हो गए हैं पूरे, तो स्टार को, स्टार ने इसको जो है पूरी तरीके से प्राप्त कर लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत माता परिसर पहली बार मध्य प्रदेश, मतलब पहली बार कहीं भारत माता का मंदिर बना है, तो वह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है, तो याद रखिएगा आप।
केंद्र सरकार ने कितने अन्य रेल मार्गों पर बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया है? तो केंद्र सरकार ने जो है छह और जगह बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव जो है दिया हुआ है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन की नींव अहमदाबाद में रखी गई, आपको पता है अहमदाबाद से मुंबई, ठीक है। किस राज्य में 12वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? ठीक है, भारत जापान वार्षिक सम्मान 12वें नंबर का गुजरात में जो है आयोजित किया गया। 85 का क्वेश्चन है, 2017 में जारी टेनिस रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो राफेल नडाल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था 2017 की टेनिस रैंकिंग में। किस देश की मदद से पाकिस्तान ने 5वां न्यूक्लियर प्लांट शुरू हुआ है? तो चीन की मदद से जो है 5वां न्यूक्लियर प्लांट शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टरों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो हरियाणा में अब डॉक्टरों की हड़ताल नहीं होगी, इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। परिवार कल्याण समिति गठित करने वाला पहला राज्य? तो त्रिपुरा जो है परिवार कल्याण समिति गठित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। चलिए 89 क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड के आधार से जोड़ने की घोषणा है? तो उत्तर प्रदेश में सभी का भूमि रिकॉर्ड आधार से जोड़ा जाएगा। हाल ही में धनुष मिसाइल का सफल प्रशिक्षण उड़ीसा से किया गया, याद रखिएगा। जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। 92 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला? तो अवनी चतुर्वेदी। ये 2018 का अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में एक अच्छा क्वेश्चन है बना है ये वाला, तो इसको याद रखिएगा। स्कूल प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने वाला पहला राज्य? केरल। केरल में स्कूल में प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य हो गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विश्व की पहली ट्रैक रहित ट्रेन का परीक्षण चीन द्वारा किया गया है जिसमें ट्रैक ही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में मिशन बुनियाद किस राज्य में शुरू किया गया? तो दिल्ली में मिशन बुनियाद शुरू किया गया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न भारत मालदीव संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो एक्वेरियन, ठीक है, एक्वेरियन जो है भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है दुबई में, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू कर दिया था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो भारत का पहला राज्य असम था। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, अभी इसके मैं 400 क्वेश्चन लाने वाला हूँ, चार पार्ट लाने वाला हूँ। यदि आप लोग पूरे वीडियो के साथ बने हैं तो मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में करूँगा, कमेंट में जो टॉप कमेंट होगा उसमें आपकी PDF की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और कृपया करके यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आगे वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। आप जरूर कमेंट करेंगे सर पार्ट टू भी हमें इसका चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, पार्ट टू यदि आपको चाहिए हो तो मैं इसका पार्ट टू भी लेकर जल्द आऊँगा। जितने लोग कमेंट करेंगे उतना मुझे जो है बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, जल्द से जल्द इसका पार्ट टू लेकर आऊँगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।